नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं रोहित रंजन और कर रहा हूं शंखनाद। शंखनाद की शुरुआत औरैया से। तो सबसे पहले औरैया की जनता को ही दिखाते हैं और उनके ही हुंकार के साथ करेंगे शंखनाद। तो औरैया की जनता क्या तैयार है? क्या तैयार है औरैया की जनता? मकसूद महबूब भाई इधर भी चाहता है, उधर भी कैमरा पैन करके दिखाए। औरैया की जनता तैयार है? यहां से होगा शंखनाद और शंखनाद में होंगे इनसे जुड़े सवाल, इनसे जुड़े सवाल, और इन्हीं सवालों के साथ इनके जनप्रतिनिधि देंगे जवाब। लेकिन औरैया का इतिहास बहुत पुराना है, औरैया का इतिहास बहुत पुराना है। क्रांति वीरों की धरती भी रही, और ये भी कहा गया कि औरैया के 3 विधानसभा सीटों पर जिसने जीत हासिल कर ली, लखनऊ का तख्त उसका हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बीएसपी के समय में भी, समाजवादी पार्टी के समय में भी, और इस बार बीजेपी में भी ऐसा हुआ। तो इसलिए औरैया बहुत खास है, और इसीलिए मेरे साथ ये खास लोग भी हैं और खास मेहमान भी है। इनसे मिलवाऊं, उससे पहले करता हूं शंखनाद इस रिपोर्ट के साथ। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनावी दंगल सजने लगा है। आज शंखनाद हो रहा है औरैया से। यहां से समाजवादी पार्टी ने 2012 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन मोदी लहर के चलते 2017 में हार का मुंह देखना पड़ा था। यहां से बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन 2021 में बीजेपी के विधायक रमेश दिवाकर का निधन हो गया था। चंबल किनारे बसे औरैया के लिए एक बात मशहूर है कि यहाँ जिस पार्टी का विधायक जीतता है, लखनऊ का सिंहासन उसी के नाम हो जाता है। यहाँ से बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने जीत का झंडा लहराया है। औरैया विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है, इसीलिए इसको साधने की हर पार्टी कोशिश करती है। साथ ही यहाँ वैश्व समुदाय भी समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। औरैया को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहां की बिधुना विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए खास है, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की ससुराल है। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का मायका बिधुना में ही है। औरैया में पंचायत चुनाव का परिणाम बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी। 23 जिला पंचायत सदस्य सीट पर सबसे ज्यादा 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में गई थी। वहीं बीजेपी 5 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। बीएसपी निर्दलीय के खाते में 4-4 सीटें रहीं। लेकिन 2022 में मुकाबला कड़ा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी दोबारा कब्जे के लिए पूरी जुगत लगा रही है, तो बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी यहां झाड़ू लगाने की कवायद में है। आम आदमी पार्टी ने यहां की दिव्यापुर और बिधुना विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है, इसीलिए इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। अब देखना यह है कि योगी का मिशन 300+ और अखिलेश के 400 सीटों के दावे में औरैया की जनता किसे अपना साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो तय है कि यूपी के युद्ध में औरैया का रण किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज क्या तमाम दल के जो चेहरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, वो तैयार हैं। मैं एक बार फिर से औरैया के लोगों से निवेदन करूंगा कि मेहमान जो भी हो, तालियां बजती रहनी चाहिए इनके स्वागत के लिए, भले ही आप किसी पार्टी विशेष से हो। तो सबसे पहले मिलिए श्रीराम मिश्रा से, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से। राजवीर यादव है, नारे बाद में सर, नारे बाद में, नारे बाद में, नारे लगाने का वक्त आएगा, अभी तालियां चाहिए, तालियां चाहिए। राजवीर यादव साहब हैं, जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। शिववीर दुबे हैं, ठीक है सर, शिववीर दुबे हैं जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विपिन त्रिपाठी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं ये बहुजन समाज पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। शुरुआत में सबसे पहले करूंगा सत्ताधारी दल से, चूंकि सत्ता पे आप बैठे हैं, सवालों की जिम्मेदारी भी आपकी है। सर प्लीज अपना अपना माइक उठा लीजिए अपने हाथ में, अपना अपना माइक, और अपनी अपनी बात माइक पे ही रखेंगे, माइक क्लोज रखिएगा। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है सर, औरैया, ठीक है सर, कंफर्टेबल आवाज आ रही है, ठीक है, औरैया में क्या कुछ बदला बीजेपी ने जो औरैया की जनता एक बार फिर से बीजेपी को यहाँ पर जीत देगी? औरैया में एक नहीं, बहुत योजनाएं यहाँ
लागू की गई। सबसे बड़ी योजना जो हम लोग मानते थे कि मेडिकल कॉलेज एक सपना था औरैया के लिए, और औरैया ने मेडिकल कॉलेज केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से उसका शिलान्यास हो चुका है और एक बहुत बड़ी योजना है हमारी पचनद बांध की, एक सपना उसका था। शिलान्यास कब हुआ सर? योगी जी ने अभी किया था, करीब 45 दिन करीब। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर, 45 दिन पहले उन्होंने कहा। मैं ये पूछ रहा था सर, 4.5 साल से ऊपर की सरकार हो गई सर, 45 दिन पहले इस योजना का शिलान्यास किया गया, अब क्या इस पे पीठ थपथपा लें कि हाँ आपने औरैया को देखा था, ध्यान पे रखा था सर? नहीं, इसके अलावा भी बहुत कार्य हमारे यहाँ विकास कार्य हुआ। हाँ। सबसे ज़्यादा तो ये हुआ कि पचनद बांध 102 करोड़ रुपये आ गया उसमें। हाँ। जो हमारी एक 5 नदियों का जो तीर्थ स्थल है। हाँ। उस पर बांध बनाया जाएगा। हाँ। और जो जालौन औरैया 4 जिले सिंचाई से उससे लाभान्वित होंगे। हाँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जो करोड़ों रुपये की है। अच्छा सर, एक सवाल और भी है, देखिए क्योंकि इन सवालों को सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सवाल आपसे ज़्यादा है क्योंकि आप सत्ता पे हैं। मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए सर, मैं जब औरैया में आया, अपने लोकल लोगों से जब मिला, तो उसके बाद पता चला रोजगार की दिक्कत यहाँ बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, औद्योगिक क्रांति यहाँ नहीं आई, क्या वजह रही? क्या यहाँ के लोगों का हक नहीं है? पूर्व की सरकारों का जो कुशासन रहा, जिसकी वजह से NTPC और गैल होते हुए भी यहाँ इंडस्ट्रियल लोग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। अब हमने बातावरण 4.5 साल में तैयार कर दिया। आज जो ये अब देख रहे हैं आप, शाम का वक्त है और सूर्योदय के बाद 4.5 साल पहले दरवाजे बंद हुआ करते थे। आज रात में 12 बजे महिला एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, निश्चित तौर पे ये BJP का सुशासन है। और जो लोग परिवारवादी समाजवादी, क्या कहें हम इनको, जो हल्ला कर रहे हैं, अपने गिरेबान में जाग के देखें कि 4.5 साल पहले क्या स्थिति थी। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी सर, सवाल मेरा है, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, बाद में आप उनके सवालों पर आइएगा। मुझे ये बता दीजिए, मैंने रिपोर्ट में भी सुना और मैंने भी ये कहा कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ था। गढ़ में सेंधमारी तब होती है जब जनता से विश्वास पार्टी खो देती है। आपने विश्वास खोया? नहीं। तो फिर क्यों आप गायब हो गए? ये बहकाया गया। किसने बहकाया? झूठ सपने दिखाए गए, BJP के लोगों ने झूठ सपने दिखाए, उनको बहकाया, बहक गई सारी जनता। किसान को दोगुनी आय के लिए कह दिया, उसके खाते में 15 करोड़ आ जाएगा। किसान बेचारा हंस लगाई, खाता खुला के डेली चक्कर काट रहा 4.5 साल से, और वो आज भी किसी के खाते में एक पैसा नहीं आया। ये सपने उनको दिखाए गए, झूठे सपने। झूठे सपने से एक बार तो हो सकता है, लेकिन दोबारा कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे विकास कार्य की, मैं आपके माध्यम से मैं ये चैलेंज करता हूँ कि 20 किलोमीटर गड्ढा मुक्त सड़क बता दें पूरे जनपद में, 20 किलो गड्ढा मुक्त सड़क, एक मेडिकल कॉलेज, मेरी सरकार ने 100 सैया का अस्पताल बनाया, 50 सैया अस्पताल आंख का नेत्र बनाया, बर्नल पॉइंट बनाया, जिसका उद्घाटन शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन भी किया। अभी आपका शिलान्यास हुआ, अभी एक और इनका शिलान्यास हुआ। तो फिर मेरा एक सवाल है सर, एक मिनट, मैं इसी में जोड़ रहा हूँ, आप ही बोलिएगा, मैं इसी में जोड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपने अस्पताल बनाया, सब कुछ है, लेकिन यहाँ औरैया के लोग तो कहती है कि अगर बीमार होते हैं तो SFI जाते हैं, नहीं तो कानपुर जाते हैं, फिर ऐसा अस्पताल किस काम का? नहीं नहीं, आप देखिएगा, आप अस्पताल बनाया जो प्राथमिकता जो होती है, देखिए एम्स हर जगह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेडिकल कॉलेज हर जनपद को दिया, बनाने का प्रयास किया। और आप ये समझ गया कि एक अस्पताल एक नहीं है, अभी विधुना में बना, दिव्यापुर में बना, औरैया में बना, 100 सैया अस्पताल बना, बर्नल पॉइंट बना, पूरे स्वास्थ्य की जो अगर किया जाए तो समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किया। और आप ये देखिएगा कि अभी जो उद्घाटन हुआ, अभी 14 और उपकेंद्र बने हैं, गांव को लोगों को पता किया, लोकार्पण कर दिया गया, और उस गांव में मैं गया, उस गांव के लोगों को पता नहीं कि अस्पताल का लोकार्पण हो गया गांव। नहीं वैसे, वैसे और BJP ऐड अच्छा करती है सर, फिर कैसे नहीं पता चला? आज एक सर, ये तो गलत हो गया ना, फिर गांव के लोगों को जानकारी नहीं हो, गांव के लोगों को ये जानबूझकर भूल रहे हैं।
योगी जी ने लोकार्पण किया बिल्डिंग बनी हो, पूरे जिले की 40,000 बनी हो, वहाँ एक डॉक्टर की नियुक्ति हो, 40,000 एक बिल्डिंग बनी हो, एक डॉक्टर की नियुक्ति। सवाल ले गया जो उन्होंने बताया था कि गुंडा के सवाल, एक मिनट, अभी सबसे पहले औरैया में अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष इससे पूर्व थे उनका धान का घोटाला किसानों किया, उनका पैसा कब आप दिलवाएंगे? अभी वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ने एनटीपी से इंजीनियर का अपहरण कर लिया, उसकी गाड़ी अब इनवॉल्व है, उसके भाई को अभी तक नहीं पुलिस पकड़ पाई, उसको आप कब पकड़ाएंगे? ठीक है सर, अब कांग्रेस, ठीक है हो गया सर, अब कांग्रेस सर प्लीज कांग्रेस एक बार सारे मेहमानों को बोलने का मौका देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्रॉस काउंटर कीजिएगा। हाँ सर, आप किन मुद्दों पे हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो डेस्क पे खड़े हुए हमारे राजनीतिक दल के पदाधिकारी, उपस्थित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको प्रियंका गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मैं जिलाध्यक्ष शिवबीर दुबे की तरफ से प्रणाम नमस्कार। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी, वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग, पूर्व की सत्ता में रहे हुए लोग बकहान दे रहे हैं, लेकिन जो धरातल की चीज़ है वो ये है कि मद में चूर होके, सत्ता के मद में चूर होके और सत्ता का भोग लेके जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जो किसान के साथ अन्याय हो रहा है, जो युवा के साथ अन्याय हो रहा है, जो महिला के साथ अन्याय हो रहा है, वो निश्चित तौर पर औरैया की जनता, औरैया का किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी सारे लोग बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। आने वाला जो समय होगा वो न सत्ता पक्ष का होगा और न 2012 से 17 में रहने वाली सरकार का होगा, ये मैं भरोसा देके जा रहा हूँ। नहीं सर, ये भरोसा जो हाथ के साथ आपने दिखाया ना, हाथ पे भरोसा तो कोई नहीं कर पाया, साइकिल पे सवार हुए, साइकिल ने हाथ हटा दिया, आपको तो भरोसा तो कोई देख ही नहीं पा रहा, आप कैसे भरोसा जता रहे मुझे? ये भरोसा दे दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, 2012 का जब इलेक्शन हुआ तो जितना वोट प्रतिशत बीजेपी को मिला था उतना ही कांग्रेस पार्टी को मिला था। अगर ये झूठ फैला के, अगर ये भ्रम में डाल के जनता को गुमराह करके सत्ता पे आ सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी की जमीन है, कांग्रेस पार्टी को कोई कमजोर नहीं समझे, इसलिए जनता के बीच में किसी ने नहीं समझा सर आपको कमजोर, जनता के बीच कमजोर किसी ने नहीं कमजोर सर 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 ऐसा है ना सर, आप बखान जो कर रहे हैं ना, किसी ने कमजोर नहीं समझा, कमजोर आप अपने आप को साबित कर गए। पिछली बार भी आपने 403 की तैयारी की लेकिन समाजवादी पार्टी के पास गए और अपने कैंडिडेटों का टिकट काट दिया जो मेहनत कर रहे थे, तो कमजोर कौन हुआ सर? देखिए क्या है, परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों के साथ समाज में राजनीतिक दलों में चलना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, इनका कोई इतिहास नहीं है, ना इनका है ना इनका है, निश्चित तौर पे ये सत्य है, इतिहास भी कई बार क्या होता है सर, आज से बनता है, इतिहास भी आज से बनता है, धरातल पे दिखाई देगा। हाँ, मैं वही नहीं समझ पाया अभी तक सर, आपने सारी बातें जितने पॉइंटर नोट किए थे सब आपने बोल दिए लेकिन अभी तक ये नहीं समझा पाए कन्विंस कैसे करेंगे जनता को। मैं ये सर प्लीज अब रुक जाइए, मैंने वक्त दिया, बात हमारी पूरी सुने सर, आप इतने देर थोड़ी ना सुन सकते सर, आप सबको फिर मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा। बीएसपी सर, हाथी को ढूंढते ढूंढते मैं लखनऊ भी पहुंचा, लखनऊ से वापस औरैया आया गया सर, हाथी क्यों नहीं बाहर निकल रहा सर? एक भी रैली नहीं, अखिलेश जी लगे हुए हैं, योगी जी लगे हुए हैं, पीएम जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, सब आ गए, बहन जी क्यों नहीं आ रही? जी सर्वप्रथम मैं मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस मंच पे हमें यहाँ बुला के उन्होंने सम्मान दिया। साथ में ये बताना चाहूँगा कि बहन जी ने तो अभी कोई रैली शुरू की ही नहीं चुनाव, यही तो पूछ रहा हूँ क्यों, चुनावी रैली वो प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही करेंगी। अच्छा, अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं जिसकी नकल अन्य विपक्षी दलों ने शुरू की। रही अभी यहाँ हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि यहाँ पे शिलान्यास हो गया है, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, हमारी बहन जी ने निर्माण कार्य कराया था, एक आप देख लीजिए जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, 2 साल से बन ही रहा है, और हमारी बहन जी ने जो कांसीराम स्मारक बनाया 2 साल में बन के कम्प्लीट हो गया था,
मंदिर निर्माण, आप मंदिर को स्मारक से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, तो फिर आपने जो तुलना की मैं नहीं समझ पाया। नहीं नहीं, अयोध्या का मंदिर विवादों के साथ सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया और आप काशीराम, वैसे तो सर पत्थर की बूते तो नोएडा से लेकर लखनऊ तक है, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं मंदिर से? नहीं नहीं, प्रभु राम के मंदिर से? जी 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 जी, कहना चाहूंगा। नहीं नहीं, उसी बहुत बड़ा सवाल है, फिर आपने क्या सहयोग दिया? नहीं, मैंने सहयोग किया, मेरे सरकार में जो लड़ाई आज तक कहीं भी उपद्रव नहीं हुआ था कहीं भी। आज देखिए तमाम जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, तमाम जगह देखिए आप, आप खुद ही देख रहे हैं तमाम जगह सरकार में दंगे फसाद हो रहे हैं। बहन जी के कार्यकाल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था, बहन जी के कार्यकाल में सिंगल कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था, ये आपने भी देखा। सरकार और भी लग रहा है इन दिनों, एक आरोप आप पे और भी लग रहा है कि आप बी टीम बीजेपी की बनकर काम कर रहे हैं इसलिए साइलेंट है, ऐसा है क्या? समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए? इसका खंडन भी मैं चाहूंगा। कल ही आपने देखा होगा मीडिया में एक फोटो आई थी संघ प्रमुख जी की और माननीय नेता जी की, आपने देखी होगी अभी अभी कल ही की मीडिया में है। कौन है बी टीम ये तो आप ही अंदाज़ लगा लें। साथ बैठे औरैया में कैसे आएंगे सर? नहीं, औरैया में हमारी सरकार तीनों सीटें बनेंगी, पूर्ण बहुमत में यूपी में सरकार मेरी बनेगी, मेरा इतना कहना है। तो इन लोग क्या झूठे सपने देख रहे हैं? अब झूठे सपने हैं, हम क्या कहें, आप क्वेश्चन करिएगा वो बताएंगे झूठे सपने। अच्छा, एक बात बता दीजिए, फिर झूठे सपने देखने वाले मुंगेरी लाल वन बीजेपी हो गई, मुंगेरी लाल टू है समाजवादी पार्टी और मुंगेरी लाल थ्री हो गई कांग्रेस, आप तो एकदम सच कर देंगे? यही बिल्कुल बिल्कुल सच, तीनों सीटें जीतेंगी बसपा की। यही बात सुनना था, हो गया सर, बोरिया बिस्तर पैक कर दिया बीएसपी ने, हाथी अभी भी बंद है, केवल हाथी बनाए इनने और वहीं खत्म हो गए। बस यही बात मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 मकान तो औरैया जिले में दिए हैं, हर घर का जो छत का सपना है वो हम पूरा कर रहे हैं। ये जो बता रहे हैं जनता पार्टी ने ग्रामीण स्तर पर भी जो ये कह रहे थे समाजवादी कि 15 लाख हर योगी सरकार के आने के बाद पहली कैबिनेट में हमने 36,000 करोड़ का किसानों का 1 लाख का ऋण माफ किया, हमने 6,000 रुपए पर साल उनको खाद बीज लेने के लिए उनको हमने सीधे डायरेक्ट बेनिफिट, अगर किसी और की सरकार होती तो आधे कर्मचारी खा जाते। और रही बात ये खाता खुलाने की, जो गरीब आज तक बैंक के दरवाजे को नहीं देख पाया, बैंक के दरवाजे को नहीं पहुंच पाया, उस गरीब का सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खाता खुलाया, हमने लाखों शौचालय बनाए। तो बहन सर, ये सब किया एक सेकेंड सर ये सब किया तो छापा मरवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? भी अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि छापा आप इसलिए मरवा रहे हैं क्या, डर गए? दोनों सरकारों में अकूत संपत्ति जमा है तो आकर जनता में कैसे आएगी? उसके लिए हमने सारे जो क्रिमिनल है, सुना आपने, आज जो सारे क्रिमिनल है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उनकी भी संपत्ति कुलक की जा रही है। मतलब बुलडोजर 15 घंटे छापे, ये भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ तो है। और आप देखिएगा, आपने सुन लीजिए एक बार, आप एक मिनट बात सुन लीजिएगा, आपने वादा किया था और आपने वादा किया था कि काला धन वापस आएगा, वो कब आएगा? देश पूछ रहा है काला धन कब वापस आएगा, ये देश पूछ रहा काला धन वापस आएगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, उस इंजीनियर को न्याय कब देंगे आप? निकल रहा है आज हम 2 करोड़ का घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, जाकर हुआ 2 करोड़ का घोटाला स्वास्थ्य विभाग में, अभी स्वास्थ्य घोटाला, उसका कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा? किसानों को खाद नहीं मिल रही सर, किसानों को खाद नहीं, बदले में लाठियां मिलती थी इनके शासन में। सम्मान को बात करते हैं, किसानों की फसल गाय और सांड ने खा ली, किसान परेशान है, आप किसान को क्या देंगे? आप किसान को सम्मान की बात करते हो, किसान की सांडों ने और गायों ने सारी फसल खा ली, किसान के पास कुछ नहीं रहा। ये, और ये जब जाएंगे ना गांव में, बात करते हैं, जब गांव में जाएंगे वो किसान दौड़ाएगा, ठीक है सर, किसान दौड़ाएगा, मानेगा नहीं, कांग्रेस बात नहीं मानेगा, और नहीं जाके देखिएगा, कांग्रेस दौड़ाएंगे सर। और ऐसा है, दौड़ाना शुरू कर दिया, कांग्रेस वाले भी हैं,
अरे कांग्रेस वाले हैं अभी, रुकिए रुकिए प्लीज। और किसानों को कुचल रहे हैं, किसानों को कुचल रहे, किसानों के हत्यारी सरकार है ये। ठीक है सर, एक बार किसानों के बीच जाओ, दौड़ना शुरू कर दिया किसानों ने। ये कहना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार हती किसान पानी लगाने नहीं जा पाता था। आपने इंजीनियर का अपहरण कैसे किया? अच्छा, ये एक मुझे आपकी सरकार के होते हुए इंजीनियर का अपहरण कैसे हुआ? सरकार में जवाब दे, सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए ना, ये लोग तो सरकार में रहे, हम बता रहे हैं, ये लोग तो सरकार में रहे, आप एक सुनिए। देखिए देखिए, आपके शोर में हमारी आवाज नहीं दबनी चाहिए, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है? बोलिए 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 बोलिए, हमारी आवाज को दबाने का पॉइंट पे आइए सर, पॉइंट पे आइए, पब्लिक सुन रही है। देखिए, इनकी सरकार जब थी समाजवादी पार्टी की, तो खाद में लाठियां मिलती थी, खाद नहीं मिलती थी। इनकी सरकार जो है, वजन भी कम कर लिया, महंगी कर दी, और लाइन में लग के लाठी भी लगा रहे हैं। सत्यता जो है वो ये है, इतनी घूसखोरी। इन्होंने आवास की बात कही कि डेढ़ कितना कहा है, सॉरी, आवास जो मिल रहा है रूरल में 1,20,000 का, और नगर में मिल रहा है 2,50,000 का, उसमें 40 से लेके वो 50, ए हेलो, ए आप अपनी बात रखिए, 50,000 रुपए तक का, 50,000 रुपए तक की रिसपल्ली जा रही है, शौचालय में 5,000 की रिसपल्ली जा रही है। ये क्या कहेंगे? जनता के बीच में जाइए और जनता को समझेंगे, तब मालूम पड़ेगा सत्यता क्या है। ये लोग भाषणबाजी अच्छी कर लेते हैं, नारा अच्छे लगा लेते हैं, नारा अच्छे लगा लेते हैं, बढ़िया चीजें बोलते हैं। ये नारा लगाएंगे परशुराम का, ये नारा लगाएंगे श्री राम का, लेकिन लेकिन सुनिए, लेकिन ये सरकार ने अगर कहीं बहुत अच्छा काम किया है, तो वो ये काम किया है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का वध करने का काम किया है, ये विकास किया है इन्होंने, और कोई विकास नहीं है। वापस एजेंडे पे आ गए, मतलब आपने विकास को भी जातियों में बांट ही दिया, तो फिर क्यों ब्राह्मण ब्राह्मण करने लगे? सर, मैं भी बोल सकता था, ये क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल है, मैंने बोला, मैंने बोला वोटर को वोटर यादव बाहुल है, मैंने बोला, जानते हैं आप व्यवस्था को हम जानते हैं, आपकी व्यवस्था को हम जानते हैं, अपराधी होता है, फिर आप मशहूर हो जाते, क्यों बांट रहे हैं आप, क्यों बांट रहे हैं आप, क्यों बांट रहे हैं आप? अपराधी तो घूम रहा है केंद्र में, गृह राज्य मंत्री अपराधी बना घूम रहा है, उसको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे आप? अगर अपराधियों की बात करते हो, क्यों अपराधियों को, वो जिला पंचायत का अध्यक्ष उसका भाई, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे आप? करिए ना बीएसपी जी, ये सुन लीजिए, इन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणों की हत्या तो हो ही रही है, पंचायत का अध्यक्ष हो रही है। वैसे आपने भी ब्राह्मणों के लिए जो है ना जिम्मेदारी उठाई ली है। नहीं, मैंने जो ब्राह्मणों की हत्या हो रही, जो ब्राह्मण बीजेपी में का शामिल नहीं होता है जबरदस्ती की शामिल कर रही है, आप चुपचाप रहिए, उन पर मुकदमा लिखा दिए जाते हैं, फर्जी मुकदमे लिखा, यहाँ हो रही है मुकदमे फर्जी लिखाए गए, इसके प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप चाहे फर्जी मुकदमे के प्रमाण मैं दे दूँ आपको, कोई बात नहीं, जो मेरा नहीं होगा, बस भाजपा का दामन नहीं थामेगा, वो जेल जाएगा, इस तरीके के फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, ये भाजपा कार्यशैली। तो वो तो कह रहे ना, वो कह रहे ना गुंडागर्दी कम कर दी हमने, गुंडागर्दी तो कर रहे, कम कर दी तुमने, ये आपने कहा ना कम कर दी, यहाँ तो आपने ब्राह्मणों की हत्या की है, हर जगह ब्राह्मणों की हत्या, छोड़ो ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे भाई, तमाम तरीके के, उनने कुछ नहीं, बिजली चोरी का मुकदमा लगा दो, प्रेशर बनाया जा रहा, आप बसपा की राजनीति क्यों कर रहे हैं, इसमें भाजपा में शामिल हो ये कहा गया, बलात्कार लगवाओ, तमाम तरीके के मुकदमे हैं। जवाब दीजिए, आपने, आप ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है इस बार शासन काल में योगी सरकार से नाराज है, क्या ब्राह्मणों की नाराजगी के लिए आप तैयार हैं? कोई नाराज नहीं है, केवल इनकी चला जाएगा। अरे आप भी खुशी दुबे भी अपराधी है, कुलदीप दुबे अपराधी, कुलदीप एक मिनट जी, प्रभु परशुराम की मूर्ति आप भी इसलिए करा रहे हैं क्या कि एक वर्ग विशेष जाति विशेष को अपने साथ जोड़ें? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी सर्वधर्म का सम्मान देने वाली, सर्व समाज का सम्मान करने वाली, ये कोई ये नहीं है। और आप ये देख लीजिए, आप अभी अपराधी को बता रहे थे, अच्छा गृह राज मंत्री, हिंदुस्तान का गृह राज मंत्री किसानों को गाड़ी से रौंदे, रौंदने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ चाय पिलाई जाए, यह सम्मान होता है इनके यहाँ अपराधियों का, यह सम्मान है इनके यहाँ अपराधियों का, गृह मंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश का रौंदने के बाद और उनके साथ चाय पीता, यह अपराधियों का सम्मान है, चूंकि ये इनके यहाँ मानक नहीं है,
इनका मानक नहीं है इनके पास अपराधियों का, केवल आपको इनको गुमराह करना, इनसे ज्यादा अपराध किसी भी समय में नहीं हुए, किसी सरकार में नहीं हुए। बता दीजिए ना सर, इतनी हत्या आज तक कभी नहीं हुई, इतनी हत्या आज तक कभी नहीं हुई। अच्छा मैं ये आप एक सेकंड सुन लीजिए, सुनिए ना आज तक इतनी छिनती हो रही है। सुनिए ना मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टियों का गढ़ तभी माना जाता था जब चाचा भतीजे एक थे। अभी भी कल एटा और मैनपुरी में रैली कर रहे थे भतीजे और चाचा को नहीं बुलाया, तो क्या अभी दूरी खत्म नहीं हुई है? कोई दूरी नहीं है। अब आपने देखा एक दिन इकट्ठे हुए एक घंटा के लिए दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक बेहाल हो गया। देख रहे थे ये जो छापामारी शुरू करने दिए, क्योंकि इनका ये घबराए हुए है, ये डरे हुए किसान से, डरे हुए। डरे हुए क्यों है सर आप? भाई किसान को मारोगे डरोगे? डरे नहीं हुए हैं आप, डरे हुए हैं। आज का चुनाव ये अच्छा प्रधानमंत्री जी, हाँ ये जो आज ब्राह्मण की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अगर जिला अध्यक्ष बनाते ब्राह्मण हम मान लेंगे कि ये सर्व समाज की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और इतिहास बनाएगी और उत्तर प्रदेश में भी इतिहास बनाने जा रही है। पहली बार बहुत सालों के बाद, कई दशक के बाद उत्तर प्रदेश में आदर्श है समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और ये 47 का लक्ष्य प्राप्त कर ले हम मान लेंगे कि इनने काफी कुछ कर लिया। हाँ ये बात, वैसे एक बात आपके लिए भी उन्होंने बोला, बना लीजिए ना किसी ब्राह्मण को अध्यक्ष। नहीं नहीं जो इन्होंने कहा है ब्राह्मण जो बोल रहे हैं, नहीं ब्राह्मण के लिए इन्होंने कहा है तो यहाँ ब्राह्मण इनके साथ है ही नहीं श्रीमान जी, कहीं ब्राह्मण बसपा के साथ है पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी, बसपा की बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। अच्छा, आपकी सरकार बनने के लिए जी टक्कर किससे है, समाजवादी पार्टी से या बीजेपी से? ना सरकार किसी से नहीं, टक्कर है ही नहीं, कोई टक्कर में है ही नहीं। अच्छा, क्यों चक्कर में? अच्छा, कोई नहीं, पूर्ण बहुमत सरकार मतलब हाथी है ही नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे दौड़ेगा कमल को रौंदेगा साइकिल को तोड़ देगा, कोई टक्कर में नहीं है। ये केवल ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, मुकदमे लिखेंगे, किसान परेशान है। एक सेकंड सर, 20 सेकंड सर, सर प्लीज एक सेकंड फिर बोलते हैं। अभी श्रीमान जी ने कहा था कि ब्राह्मण किसी, एक सेकंड, ब्राह्मण को जिलाध्यक्ष किसी ने नहीं बनाया। अभी श्रीमान जी ने कहा था ब्राह्मण को किसी ने जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, ये मैं मानता हूँ कि बसपा में नहीं है जिलाध्यक्ष बनाने की प्रथा, बसपा में नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन सुनिए, यहाँ किसी को ब्राह्मण ने कोई तवज्जो नहीं दी विधानसभा सीट पे भी। समझ गया, मुझे इतना बता दिए सर, कॉम्पिटिशन में कौन है आपके साथ? देखिए आपके सामने किसको सबसे बड़ी चुनौती? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता का, हिंदुस्तान की जनता का जो भी अपमान करेगा, बेरोजगार करेगा, भूखा रखेगा, रोजगार नहीं देगा, वो कोई भी सरकारें हों उनके सरकार उनके खिलाफ सरकार कांग्रेस पार्टी काम करेगी और जनता का काम करेगी, किसान मजदूरों का काम करेगी, उसके साथ खड़ी है जो भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान और जनता की। वैसे देखिए मैं तो चाहता था कि मैं औरैया पे रहूं, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था ना बहुत सीधा पूछा था, मैंने पूछा था कि किस पार्टी से आपकी चुनौती सबसे ज्यादा है। मुझे आप वो बता सके सर, आप इतना लंबा वो कर देते हैं ना सर कि फिर आपके पास वक्त बचता नहीं, आप कहते हैं कि मैं जो है रोक रहा हूँ। होता क्या है ना सर, आज की तारीख में अगर मैं किसी से भी पूछूंगा ना, चाहे वो समाजवादी पार्टी की टोपी पहने हो या फिर बीजेपी वाले हो, पूछूंगा पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा अभी कहाँ पे, तो बोलेंगे राजस्थान गंगानगर चले जाइए। तो ऐसा नहीं है सर, क्या कौन जनता का सोच रहा है, मैं मुद्दों से नहीं भटकना चाहता, नहीं, नहीं, मैं चाहता हूँ औरैया पे आऊँ, इसलिए बताइए सर चुनौती किसकी सबसे ज्यादा? देखिए चुनौती जनता की है, लोगों से, ये सत्ता में रहे हैं, ये सत्ता भोग रहे हैं, जनता के साथ हम हैं, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, प्रियंका गांधी जनता के साथ, उनकी समस्याओं के साथ है, वो निर्णय करेंगी, ये निर्णय नहीं करेंगे, जनता निर्णय करेगी जनता के साथ। वैसे वैसे आप फिर लगेगा साबित हो जाएगा, एक छोटा सा सवाल इनके लिए अचानक से आया क्योंकि इन्होंने कहा ना जनता के साथ है। राहुल गांधी जी जब अमेठी से हार गए थे, वायनाड में जीत गए थे, तो वायनाड से अमेठी आने में उनको 2.5 साल लग गया सर, उस जनता के बीच में आने में 2.5 साल लग गया, मैं वही समझना चाह रहा हूँ सर, ऐसे कैसे? देखिए मोदी जी भी जो प्रधानमंत्री वाराणसी से हुए हैं,
वो भी कितने बार पहुंचे वाराणसी, ये भी जो सदन में कितने बार पहुंचे हैं ये भी सारी हिंदुस्तान की जनता को मालूम है। राहुल गांधी जी की आपने बात की है, हिंदुस्तान के नेता हैं, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के नेता हैं, कब जाना है कब नहीं जाना है ये उनका विषय है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी खड़ी है और किसान मजदूर सबके साथ खड़ी है। ठीक है सर, अब एक सवाल मेरा बीजेपी से वापस आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए इतने मुद्दे तो हो गए औरैया, लेकिन अब ये कहा जाता है जब चुनाव आता है तो आप मंदिर का राग भी छेड़ते हैं, अब तो मथुरा की बात करने लगे। अब मथुरा की बात साबित हो गया है कि जो वर्षों 500 वर्षों से पुराना मुद्दा था, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने निर्णय किया, लेकिन हमने मंदिर के शिलान्यास कर दिया कि नहीं कर दिया, कर लिया। तो ये जो कहते थे क्रेडिट ले गए तो फिर मथुरा क्या है? नहीं, मथुरा भी अगर होगा तो उसको भी हम देखेंगे। मथुरा क्या है सर? मतलब मथुरा भी आपके एजेंडे में शामिल हो गया ना? नहीं, मथुरा पे विचार किया जा रहा है और जो नेता तो निर्णय करेगा ये, उस पे हम आगे बढ़ेंगे। ये चुनाव के वक्त में विचार क्यों किया जा रहा है? नहीं, हमेशा हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं इस पे। हाँ, हमने सोमनाथ का भारत में पहले मंदिर, ये बताओ तब तो कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष सरकार जो ये कनो उसका मुखौटा ओढ़े धर्मनिरपेक्ष, सोमनाथ मंदिर का कराया था। अरे आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपको आपको तो ढूंढना पड़ेगा कि वोट है कहाँ कांग्रेस का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके ये समय बताएगा कि हाँ, एक जात समाजवादी पार्टी यादव उसका प्रतिबिंब सामने है, उनके यहाँ एक जात दोहरे उनका प्रतिनिधि इनके अध्यक्ष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी, ये केवल एक एक जात की पार्टी है और चार महीने बाद ये साबित हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है सर, अब ये बताइए ना, ये कह रहे हैं ना कि मथुरा में मुद्दा, हम तो कृष्ण मंदिर की बात करते हैं, वैसे अखिलेश यादव भी खुद को कृष्ण वंशज बताए, तो क्या मंदिर बनाने की जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकते क्या? नहीं नहीं, कभी वही जब उन्हें मौका मिला मथुरा बोले ना कि हम बनाएंगे मंदिर, इसमें क्या दिक्कत है? जब मौका मिला उनको, जब काम करने का मौका मिला तो उन्होंने मंदिर के लिए भी काम किया और स्वास्थ्य के लिए भी काम किया, किसानों के लिए भी काम किया, तो उनके लिए केवल शोर में मुद्दा नहीं है। सुनिए सर, सुनिए, जब मौका मिला तब उन्होंने सबके लिए काम किया, वो किसी के विरोधी नहीं है। तो ये लोग केवल घोषणा, चंदा जी भी क्यों बता दिया, चंदा जी भी क्यों बता दिया, प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो चंदा लिया जा रहा था उनको चंदा जी भी बता दिया। आप ये कोई अभी आप ये चंदा जी भी आप जो बात कर रहे हैं, भाई चंदा जी भी की जो बात कर रहे हैं, आपने कितना ठगा लोगों को, कितना लोगों को ठगा मंदिर के नाम से। अभी कोरोना में आज तक बताएं जो प्रियम भाई जो फंड जमा हुआ है उसका कब खुलासा होगा, कब बताया जाएगा? इसी जनपद में 2 करोड़ रुपए का कोरोना काल में स्वास्थ्य घोटाला है जो अखबारों में छपा, अभी तक छपा, उसका कब होगा? ये घोटालेबाज हैं, ये धोखेबाज हैं, इन्होंने सब व्यापारियों को धोखा दिया। अभी आप देखिए गांव गांव में जो 5 किलो अनाज, अरे इन्होंने तो, अरे सर, एक आप और मुद्दों पे चले गए, मैं तो एक एक करके आ रहा था ना, मैं मंदिर पे आया, आप अनाज पे क्या आइए ना, एक बार मंदिर पे आइए। 1 किलो ये फोटो पर इतराज करते थे, 1 किलो नमक की पैकेट पर मोदी जी और योगी जी छपे हुए हैं, 1 किलो पैकेट पर, देखिए आप ये लोग चले तो कहां गए? दे रहे हैं ना उसमें क्या और है? मैंने जब लैपटॉप में फोटो देखते थे, हम दे रहे हैं ना उसको, किस पढ़े लिखे को लैपटॉप दो, नमक और लैपटॉप का आपको मंदिर बनाने से परहेज नहीं है, आप कहते हैं मंदिर बनाने से परहेज नहीं है, तो कहिए ना बीजेपी क्रेडिट ले रही है, आप कहिए कि हम बनाएंगे मथुरा में भव्य मंदिर, बोलिए ना सर भव्य मंदिर बनाएंगे, सारा मार्क्स खत्म हो जाएगा अगर आप बोल देंगे तो। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग भी पालन करते हैं, भाई आपने भी स्वीकार किया कि हमने नहीं है, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने पहल है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया मंदिर बनाने, तो इसलिए तो कह रहा हूँ सर अगला क्रेडिट लेने की तैयारी है, तो क्या आप उसे रोकेंगे? आप किसी के वंशज हैं, उनके मंदिर को बनवा दीजिए, हम मान लेंगे, हम एक कभी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं है। अरे विरोधी नहीं कह रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव खुद को कृष्ण वंशज बताते हैं और इसमें दिक्कत क्या है? भगवान कृष्ण का मंदिर उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया, दिक्कत क्या है? उन्होंने बनाया, चित्रकूट में आप चले जाइए, उन्होंने जीरोद्धार कराया,
आप वृंदावन में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, और आप वहाँ चले जाइए अयोध्या में। भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज परशुराम याद किए जा रहे हैं, केवल भाजपा की वजह से। आज राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, केवल भाजपा की वजह से। पहले क्यों नहीं जाते थे, आज केवल हम लोग कभी नहीं भूले। हम लोग कहते हैं हम लोग अगर वो मथुरा में हम मान लेंगे नहीं रहेगा। अब सुना आपने, आप काशी राम करते रह गए, उन्होंने भगवान परशुराम और श्री राम कर दिया। देखिए श्रीमान जी, परशुराम जी का अपमान कर रहे हैं। नेता ने ऑलरेडी वहाँ का समग्र विकास कराया, मथुरा वृंदावन का तमाम करोड़ों रुपए की परियोजना वहाँ लगाई है, जो बहन जी के एजेंडे में परशुराम जी का अपमान। समग्र विकास कराया था वहाँ मथुरा में, आपने किया कि इन्होंने किया? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बहन जी के शासनकाल में समग्र विकास हुआ था। उन्होंने किया, बहन जी के शासनकाल में समग्र विकास मथुरा वृंदावन का हुआ था। सुनिए सर, नहीं नहीं मैं देखिए, आप एजेंडा ढोके देखिए, हम तो प्रमाण की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने किया वो, समाजवादी पार्टी के शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। हम लोग बीजेपी की तरह केवल शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन नहीं करें। अच्छा, और मेरे सारे काम को अपना बताते हैं। पूर्वांचल का एक्सप्रेस उद्घाटन का उद्घार जगह उद्घाटन। अभी आप ये देखिए, 50 सैया आंख का अस्पताल है बिधुना में, मेरी सरकार का बना हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ है, और आप उद्घाटन करने चले गए। आप उद्घाटन चले, भाई जनता जानती है कि 5 साल पहले बन गए। देखिए इन लोगों ने अपना अपना काम गिना दिया सर, धाम और काम, धाम और काम दोनों गिना दिया। सबसे पहले तो हम इनकी बात को जो उन्होंने अभी कहा अध्यक्ष जी ने परशुराम जी के ऊपर कहा, मैं रोष भी प्रकट करता हूँ। और जो है गलत बात आपने कहा है कि परशुराम जी को भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये जानते हैं पूछते, ये उन्होंने कहा है, ये गलत बात है। परशुराम जी का इतिहास है और वो इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी के जिनको नाम याद करते हैं वो इतिहास है। कांग्रेस ये, क्या? ये आपकी देन नहीं है। परशुराम जी को कोई इतिहास बताए, ये आपकी देन नहीं है। आता हूँ मुद्दे पे, हमें लगता है कांग्रेस आते हूँ मुद्दे पे, आते हैं मुद्दे पे, हम तैयार हैं, हम भी सामना के सपा के साथ जाएंगे, हम तब भी तैयार। ठीक है, ठीक है। देखिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, उसका जिलाध्यक्ष वो जिलाध्यक्ष है कि कोई धमकाने में आ जाए, कोई डराने में, जनता का आदमी है, जमीन का आदमी है, इसको याद रखें दोनों दल। मैं कहता हूँ इनने सबने इनने गिनाए सरकार से मिली है आप। कांग्रेस पार्टी का इस जिले में वो इतिहास है, केवल इतिहास ही रहेगा। सुनिए दोनों दल आज सत्ता पक्ष के लोग मलाई वहां से काट रहे हैं, और पूर्व में जो सत्ता में रहे उन्होंने मलाई काटी एनटीपीसी से, वो उपक्रम वो कांग्रेस पार्टी की देन है। अच्छा, जल्दी खत्म कीजिए, मैं जनता को बीच में शामिल करूंगा। बहुत सारी चीजें जो विकास गौरी शंकर जी के द्वारा हुआ है वो औरैया की जनता जानती है। ये तो बड़म्बना है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता झूठ सुबह से शाम तक बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, जनता 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 एक सेकंड सर, सत्यदेव त्रिपाठी आए थे आज अभी कार्यालय में। जनता सबसे पहले ये दिखाता हूँ, सबसे पहले निकाल दिए गए हैं। ये क्या भैया, ये देखिए, ये देखिए, एक सेकंड बच्चा सर हो गया। कैमरा उधर नहीं है, अभी कैमरा उधर नहीं, अभी कैमरा इधर है, कैमरा इधर है, इसलिए दिखा दूं। ये क्या है, ये क्या भैया, ये क्या? ये सर हमारे यहाँ अधिकार के और सम्मान के लिए जो हमारी आवाज उठाई जा रही है, जबकि संविधान में लिखा हुआ आरक्षण हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, और यही सरकार 72 घंटे में एक आरक्षण लागू कर देती है। हमें किसी से विरोध नहीं है, लेकिन हमारा जो लिखा रखा अधिकार वो तो हमको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। सर ये क्या चुनौती हो गई आरक्षण आपके लिए? निषाद पार्टी ने भी रिजर्वेशन की बात कर दी, यहाँ भी वो तख्तियाँ दिख रही है। नहीं, ये भ्रम में है, इनके नेता संजय निषाद जी हमारे साथ आ चुके हैं, आप सुनिए तो, इनके नेता संजय निषाद जी हमारे साथ आ चुके हैं, और पहले श्रद्धेय स्वर्गीय फूलन देवी इनके साथ रह चुकी हैं। इनने क्या दे दिया था तो ये आरक्षण की जो तख्तियां है, ये आरक्षण की जो तख्तियां वो क्या है, ये भ्रम, इनको अभी जानकारी नहीं है। ये जानकारी करें इनके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, ये अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से जानकारी। सर मैं रामकुमार निषाद, मैं औरैया का निवासी हूँ। मैं आरक्षण की मेरी मांग जो है बहुत पहले से चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने इस पे बोला था कि मैं निषाद समाज को आरक्षण दूंगा। 17 तारीख को हमने लखनऊ में जाके रैली किया,
और वहाँ पे इतना समाज इकट्ठा कर दिया माननीय अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी, सभी ने देखा और देखने के बाद ये बोला वास्तविक निषाद समाज इकट्ठा हो गया। लेकिन किसी ने जवान से यह नहीं बोला कि हम निषाद समाज को आरक्षण देंगे। माननीय संजय निषाद अगर बीजेपी में रहते भी हैं, वो भी हमारा निषाद समाज पूरा उत्तर प्रदेश का। चलिए सर, अब इसका जवाब दीजिए जल्दी से इसका जवाब। निषाद समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये पता नहीं कहाँ के चार छह लोग आ गए और इनको जानकारी का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, क्योंकि निषाद तो हमारे भाई है, हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम इनकी बात को गंभीरता से लेके और निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार बनेगी हम इनकी मांग को पूरा करेंगे निश्चित तौर पर। ठीक है सर, ये पूरा करेंगे मांग। आप ये बताइए, इनके साथ नहीं है जो आप वादा करके गए थे, आपने सबको मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या बेचारे स्टूल लेके घूमते हैं? आपने देखा है स्टूल मिलता है स्टूल? ये जो बात करते हैं सर्व समाज की, केवल वोट लेने के लिए लोग ये बात कर सकते हैं। अधिकार देना नहीं जानते, पूरे, ये पूरे किसी को अधिकार नहीं देना जानते, पूरे किसी को अधिकार देना नहीं जानते। भाजपा ऐसे ही घूमते रहेंगे, कभी नहीं कुछ देने वाले। अभी 21 लाख जो अभी जो टीटी की परीक्षा थी पेपर लीक हो गया। हमारी सरकार जी, ने ईमानदारी से मोदी जी 21 लाख एक बार आ रहा हूँ ये भी दिखा दो, एक ये भी। लड़की हूँ, लड़की लड़ सकती हूँ, ठीक है। छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, मतलब आप भी बांटेंगे। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका क्या मतलब? ये रोज है घोषणाएं करेंगे। जी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को 40% भागीदारी दी है टिकटों में। और वो सिर्फ यूपी की महिलाओं को नहीं, राजस्थान में दे देना। पूछ लिया ना सर, समाज पे। हाँ, जल्दी से आइए ना, चर्चा चलिए, जल्दी से आइए। देखिए चर्चा इसकी बोल दी सर, ये भी ये वाला स्मार्टफोन और स्कूटी वाला वो जो है, जो बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं, समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं, वो तो आप भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो भी आप भी कर रहे हैं ना, सामने है, तब कर रहे हैं। सुनिए, जब कोरोना काल में सरकार ने कोई बच्चों को जब स्कूल बंद हो गए, उनकी ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो पाई, जब ग्रामीणों में देखिए, गांव में देखिए जाके आप, बच्चों पे मोबाइल नहीं, बिजली, जब मोबाइल है तो चार्जिंग नहीं हो पा रही, बिजली नहीं है, ऐसी परिस्थिति में प्रियंका गांधी जी ने जो अध्ययन किया है महिलाओं के बीच में जाके, तब ऐसी परिस्थिति। मैं निषाद समाज पे बोलना चाहता हूँ, प्लीज निषाद समाज पे। सर नहीं, अभी नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, और प्लीज हर कमेंट पे आपसे नहीं ले सकते ना, आपसे मैंने पूछा था, हर सवाल का जवाब जैसे नहीं। सर प्लीज देखिए, सबने कुछ ना कुछ कर दिया, आपकी तरफ से कौन सी तकती है? मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदया जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जमीन पे काम करना पसंद करती, दिखावा का नहीं। नहीं दिखती नहीं ना, तब पूछ रहा हूँ जमीन वो कहां? दिखावा का काम नहीं करती। उन्होंने विकास कार्य किए, उन्होंने जनता के बीच में जाके जनता के दिल को जीता है, उन्होंने जनता के बीच में रही है सर। वो जनता का दर्द समझती है। मैं काउंटिंग करूँ, जनता के बीच में जाके जनता का दर्द उन्होंने समझा जी। कब से गायब हो गए आप? नहीं, हम कहाँ गायब हैं सर, बीएसपी हमारी नेता बीएसपी काम करती बीएसपी सर जी, आप जी, जी। आप ये भी जानिए, बीएसपी और समाजवादी पार्टी इकट्ठा हुए तो आप लोग थोड़ा सा वापस आ पाए लोकसभा चुनाव में जी, नहीं तो उससे पहले क्या हालत हो गई थी। यानी आपको भी एहसास हुआ ना सर, सर्वाइवल के लिए अब आपको साथ की जरूरत है। और अगर अभी आप कह रहे हैं ना कि हम जनता के बीच है, सर मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं तो अलग अलग शहर जा रहा हूँ सर, बीएसपी के मेहमानों को आमंत्रित करते फिर भी वो नहीं आ पाते, जनता से संवाद नहीं करना है, मीडिया से बात नहीं करना है। और जनता के बीच पहुंचेगा, तीनों विधायक यहाँ मेरे जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार मेरी बनेगी। आपने तरीका नहीं बताया, नेता का इतना ही कहना है कि जमीन पे काम करो, दिखावा नहीं। अच्छा। हम लोग दिखावा नहीं करते, जमीन पे काम करना पसंद करते। अच्छा, इसलिए दिखते नहीं है? नहीं दिखते, दिखते हाथी दिख जाता है, बैठा हाथी दिख के बीच में। वो कहावत भी है ना, मरा हाथी भी सवा लाख का जी, तो मतलब हाथी दिख जाता है, लेकिन आप कहते हैं आप जमीन पे रहते, दिखते नहीं। नहीं, हम तो जनता के बीच में है, जनता की बात रखते हैं, जनता के दर्द समझते। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जरा पार्टी विशेष की जनता को भी शामिल करते हैं जी, जी। लेकिन मैं सबके पास नहीं, एक एक करके छोटा छोटा जवाब इधर से लेके बीजेपी तक में, ठीक है? चलिए, मेरा सवाल माननीय जिलाध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी से है। इन्होंने ये कहा कि सपा छोटा छोटा कुशासन था, अभी वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और अय्या उनके छोटे भाई ने जेल में क्या किया, ये बताएं इसका। मैं बीजेपी वालों से ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने शिलान्यास किया है, अभी यहाँ पे चिचौली में चले जाओ जो एम्बुलेंस खड़ी है, समाजवादी पार्टी ने जो किया है वो भी एम्बुलेंस को डीजल नहीं दे पा रहे। आप नारे पर अच्छा लगा, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, जल्दी, जल्दी।
इनसे ये कहना चाहता हूँ, औरैया का धान चोर, किसान चोर, जो कुछ भी है, क्या वो अपराधी नहीं है? सवाल ये है कि शिक्षा के लिए क्या किया, अस्पताल के लिए क्या किया, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया, हर बात को घुमा फिरा के मंदिर। एससी राष्ट्रपति दिया है, फिर भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इसका कौन बताएगा? ठीक है आ रहा हूँ। ये बात करते हैं, मस्जिद बनाते रहे, मंदिर की बात कर रहे हो, वहाँ पे बनेगा मंदिर मथुरा में। आप ये बताइए हमें, ईश्वर का क्यों नाम लिया जाता है? भूल जाओ भाई, इसको ट्राई करो, सकता है इसको। जो अभी तीनों पार्टियों ने कहा है कि बीएसपी नहीं दिखाई दे रही, बीएसपी के द्वारा ही दिए गए कांसीराम आवास हैं, जिसमें हर जिले में लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बीएसपी ने ही यमुना एक्सप्रेस वे के रूप में दिया। मैं समाजवादी जिला अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि आज तक औरैया जनपद को क्या ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों की बात करते हैं, आज ब्राह्मण याद आ रहा? ब्राह्मण जिला अध्यक्ष दिया इन्होंने कभी? ब्राह्मण दिया समाजवादी पार्टी कभी औरैया? कांग्रेस हरीश रावत के लिए क्या कहना चाहेगी? हरीश रावत पंजाब का मैटर निपटाते खुद निपट रहे हैं। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, कोरोना में 40 जवान शहीद करवा दिए इसी भाजपा पार्टी। अब शहादत पे सवाल उठा दिया आपने, शहादत पे सवाल उठा दिया सर, ये गलत है। ना 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 ना, ना। शहीद के साथ राजनीति नहीं। आइए 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 जल्दी। जो पप्पू कहते हैं वो पहले बता, वो उनके खुद प्रधानमंत्री गप्पू हैं, जिनको इतिहास भी मालूम नहीं है। अरे भैया टोंटी चोरन से दूर रहो, टोंटी चुराए के लेके युक्का बते हैं सबको, टोंटी चोर है। सबको सुना, सबको समझा। अब जनता परखेगी, जनता के हाथ की ताकत है, वोट की ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल होगा और उसके बाद कौन सच्चा कौन झूठा। 30-30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से घड़ी देख के सर, उसके बाद थैंक यू प्लीज। फाइनल कमेंट, अगर शोर मचेगा तो कोई कमेंट नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगा, शोर में नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया औरैया की जनता, शंखनाद में आप लोगों का साथ मिला, कल ये कारवा कहीं और पहुंचेगा, आपके बीच होगा और फिर होगा शंखनाद।